अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्रंट सेक्शन में जो 9 हिस्से होते हैं एक बेसिक 5 पॉकेट के, उसके हर पार्ट में किस किस डायरेक्शंस में, यानी टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट में कितने कितने सीम अलाउंसेस होते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है पार्ट नंबर 2, मुख्तलिफ पार्ट्स के सीम अलाउंसेस के बारे में। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉकेट बैग के बारे में, जिसको हम पीसी लाइनिंग भी बोलते हैं। तो नाज़रीन, इसके टोटल 5 डायरेक्शंस होती हैं, यानी एक टॉप की, एक बॉटम की, एक राइट और एक लेफ्ट और फिर एक राउंड। ये टोटल इसकी 5 डायरेक्शंस हैं। इन 5 डायरेक्शंस में सिर्फ एक डायरेक्शन जो राउंड की होती है उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस है, और बाकी के जो 4 डायरेक्शंस हैं इन 4 अतराफ का 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि 1.25 ईच साइड। तो नाज़रीन, ये टोटल सीम अलाउंस बनते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 12 सेंटीमीटर दोनों पीसी लाइनिंग के बनेंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फेसिंग के बारे में। तो फेसिंग की 2 साइड्स हैं, एक वेस्ट बेल्ट वाली साइड और एक साइड सीम वाली साइड। तो नाज़रीन, इन दोनों साइड्स का जो सीम अलाउंस है वो है 1.25 सेंटीमीटर, यानी टॉप का भी 1.25 सेंटी और साइड सीम का भी 1.25 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, यहाँ पर काबिले गौर बात ये होगी कि 2 नोचेस होते हैं, एक साइड का नोच और एक टॉप का नोच। इन दोनों नोचेस से आगे जो के राउंड के नीचे फैब्रिक हिडन हो जाता है, टॉप का जो नाज़रीन नोच है उससे आगे जो फैब्रिक बचता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, वो भी सीम अलाउंस में आएगा। और जो साइड वाला नोच है उसके नीचे वाला जो फैब्रिक एक्सेस होता है जो के छुप जाया करता है, उसका जो सीम अलाउंस मार्जिन होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, टोटल मार्जिन एक फेसिंग का हुआ 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी फेसिंग का सीम अलाउंस अगर हम ऐड कर दें तो इस 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर दोनों फेसिंग का सीम अलाउंस निकल आएगा। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कॉइन पॉकेट के बारे में। तो नाज़रीन, कॉइन पॉकेट की 3 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले हेम वाली साइड आ जाती है, हेम का जो सीम अलाउंस होता है वो होता है 2.25 सेंटीमीटर, यानी कि 2.25 सेंटीमीटर्स, और बाकी के जो राइट और लेफ्ट साइड है इनके मार्जिन्स अगर डालें तो ईच साइड का मार्जिन होगा 1.25 और दूसरी साइड का भी 1.25 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल सीम अलाउंस मिलाकर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रंट पैनल के बारे में। तो फ्रंट पैनल की टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं। नंबर 1 इनसीम, नंबर 2 फ्रंट राइज, नंबर 3 वेस्ट बेल्ट वाली साइड, नंबर 4 राउंड, नंबर 5 साइड सीम और नंबर 6 बॉटम। तो नाज़रीन, इनसीम पे आपको देखना होगा फोल्डर मेकिंग है या फिर सेफ्टी मेकिंग है। अगर फोल्डर मेकिंग होगी तो आपको उसका सीम अलाउंस रखना होगा 1.5 सेंटीमीटर, और अगर सेफ्टी मेकिंग होगी तो आपको उसका सीम अलाउंस रखना पड़ेगा 1.25 सेंटीमीटर। इसके बाद नाज़रीन, फ्रंट राइज, वेस्ट बेल्ट वाली साइड और साइड सीम की अगर बात करें तो इन 3 साइडों का सीम अलाउंस जाएगा 1.25 सेंटीमीटर, यानी ईच साइड 1.25 सेंटीमीटर जाएगा। और राउंड की बात करें तो राउंड का सीम अलाउंस होगा 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद बॉटम अगर डिस्कस करें तो बॉटम का टोटल मार्जिन होता है 2.75 सेंटीमीटर। तो नाज़रीन, फ्रंट पैनल की एक साइड का टोटल मार्जिन 9 सेंटीमीटर होता है विद फोल्डर, और अगर बोथ साइड का मार्जिन ऐड कर लिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 18 सेंटीमीटर बनेगा। अगर इन सीम सेफ्टी मेकिंग के बात करें तो वो 2.75 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस बनेगा, और अगर हम बोथ साइड का कंप्लीट मार्जिन फ्रंट पैनल का ले लें तो वो टोटल सीम अलाउंस बनेगा 17.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाती है सिंगल फ्लाई। तो नाज़रीन, सिंगल फ्लाई की 3 डायरेक्शंस होती हैं, यानी एक एज वाली साइड और एक वेस्ट बेल्ट वाली साइड और एक ओवरलॉक वाली साइड। तो नाज़रीन, पैनल अटैच के साथ जो एज स्टिच लगती है वो 1.25 सेंटी मार्जिन के साथ, और एक वेस्ट बेल्ट वाली साइड, इन दोनों साइड का ईच मार्जिन जो होगा वो होगा 1.25 सेंटीमीटर्स,
और अगर ओवरला की बात करें तो वहां पर 0.75 सेंटीमीटर उसका सीम अलाउंस रखेंगे, तब ये टोटल सीम अलाउंस बनता है 3.25 सेंटीमीटर। इसके बाद नाजिन बात कर लेते हैं डबल फ्लाई के बारे में। ये फ्रंट सेक्शन का लास्ट पार्ट है, यानी कि नौवें हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो चार होती हैं, यानी दो बुक फोल्ड होकर मैच हो जानी होती हैं। दोनों ईच साइड का जो मार्जिन होगा वो होगा 1.25 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर और वेस्ट बेल्ट का सीम अलाउंस होगा 1.25 सेंटीमीटर। तो नाजिन इसके बाद जो बॉटम का मार्जिन आता है वो आता है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डबल फ्लाई का टोटल सीम अलाउंस बनता है 6.25 सेंटीमीटर। तो नाजरीन यहां पर फ्रंट सेक्शन कंप्लीट होता है और उसके सीम अलाउंसेस की मैंने अलग अलग आपको निशानदही कर दी है कि किस साइड का कितना मार्जिन होता है। तो नाजरीन 9 पार्ट्स को मिलाकर टोटल सीम अलाउंस जो बनता है वो बनता है फोल्डर के हिसाब से 64.5 सेंटीमीटर यानी के 63.75 सेंटीमीटर। और अगर सेफ्टी मेकिंग के साथ बात करें तो 9 के 9 पार्ट्स मिलाकर जो सीम अलाउंस बनेगा वो बनेगा 63.5 सेंटीमीटर यानी के 63.25 सेंटीमीटर। तो नाजरीन कैसा लगा आपको आज का मेरा ये लेक्चर? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके ही सवालात से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मजीद क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है नाजरीन, मैं मिलूंगा आपसे इसी टॉपिक के तीसरे पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ फैजान, अस्सलाम वालेकुम।